Welcome back children. In this video we are going to learn a new topic from your EVS textbook and the topic is animal shelters. So let's start. Can you tell? क्या आप बता सकते हैं? The cat is lying in wait for someone. Who is that? Cat यहाँ पर लेटी हुई है. इस picture में आप देख सकते हो cat लेट कर किसी का इंतज़ार कर रही है, किसी की ताक में बैठी हुई है. तो क्या आप बता सकते हो वो कौन है, किसका वेट कर रही है कैट यहाँ पर? गुड. ये किसका वेट कर रही है? माउस का. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड द क्रोस? व्हाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटेंड द कैट अवे? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्या आप बता सकते हो ये जो क्रोस है ये फ्राइटेंड क्यों है, ये घबराए हुए क्यों है और ये लोग कैट को दूर भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सो क्रो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैट उनके बेबीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, नेस्ट में जो बेबीज़ हैं उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए जो क्रो है वो कैट को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं. कैन यू टेल व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट? अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्या बता सकते हो बर्ड्स नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किस चीज़ से वो लोग नेस्ट बनाते हैं? सो बर्ड्स को क्या क्या चाहिए होता है? कॉटन, ट्विग्स, थ्रेड्स, उन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए. ओके. विच एनिमल्स लिव इन बुरोस? अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो बिल में रहते हैं? सो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? स्नेक, माउस, ये सारे एनिमल्स बिल में रहते हैं. वेयर डू द हैंस वी कीप लाइफ? हु बिल्ड्स देयर शेल्टर? अब यहाँ पे क्या बताया गया? हैंस को हम कहाँ रखते हैं और उनके शेल्टर कौन बनाता है? सो हैन के शेल्टर को क्या कहते हैं? कूप कहते हैं. हैन को कहाँ रखा जाता है? कूप में रखा जाता है और वो कूप उसके लिए इंसान बनाते हैं. ओके. व्हाई डू वी नीड हाउसेस? अब यहाँ पे क्या कहा गया है? हमें हाउसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी विंड्स, स्कॉचिंग सन, हैवी रेन्स कैन कॉज अस ग्रेट डिस्कम्फर्ट. सो चिल्ड्रन, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? बहुत ठंडा मौसम जब होता है, उसके अलावा तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, तपती धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इन सब की वजह से हमें परेशानी हो सकती है, हमें तकलीफ़ हो सकती है. वी लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम देम. A house also protects us from thefts. So children, यहाँ पर क्या बताया गया? हम हाउस में इसीलिए रहते हैं ताकि हम इन सारी परेशानियों से बच सकें, हम अपने आप को बचा सकें, और हाउस की वजह से चोरी का खतरा भी कम हो जाता है, हम सेफ रहते हैं. Some people live very close to forest. They have to face the threat of wild animals. A house protects them from the wild animals too. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या बताया गया है? कुछ लोग फॉरेस्ट के बहुत पास में रहते हैं. फॉरेस्ट में कैसे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, तो हाउस क्या करता है? उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो फॉरेस्ट के बहुत पास रहते हैं. लाइक अस डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर्स? सम एनिमल्स डू. दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स. सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द इन्वायरमेंट. सो चिल्ड्रन, क्या हमारी तरह एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती होगी, घर की ज़रूरत होती होगी? सम एनिमल्स डू मीन्स कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है. अब उन जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद बना लेते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सेफ प्लेस पर अपना घर ढूँढ लेते हैं. अ न्यू टर्म शेल्टर. सो यहाँ पर एक न्यू टर्म आया है. एंड वॉट इज़ दैट? शेल्टर. सो वॉट इज़ शेल्टर? शेल्टर क्या है? अ सेफ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर. अ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा. सो वॉट इज़ शेल्टर? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ शेल्टर? एक ऐसी जगह जहाँ पर हम किसी भी खतरे से महफूज रहें, सेफ रह सकें, और इसके अलावा हम सन से, रेन से और
तेज़ हवाओं से भी महफूज रह सके उसे शेल्टर कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स। अब हम उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपना शेल्टर, अपना घर खुद बनाते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट। अब आप लोगों ने बर्ड का नेस्ट तो देखा ही होगा, बर्ड का घोंसला आपने देखा होगा। नेस्ट आर शेल्टर दैट बर्ड्स बिल्ड। नेस्ट क्या है? बर्ड्स का बनाया हुआ एक शेल्टर है। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स, सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या बताया गया है? जो बर्ड्स होती हैं वो इस बात से डरी हुई रहती हैं, उन एनिमल्स से डरी हुई रहती है जो एनिमल्स एग खाते हैं, तो इसीलिए बर्ड्स को एक सेफ जगह चाहिए होती है जहाँ पर वो अपने एग्स दे सके। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। अब उसके बाद क्या होता है? बेबी बर्ड्स एग से बाहर निकलते हैं। देयर आर एनिमल्स दैट ईट दीज यंग बर्ड्स। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स खाते हैं, इसीलिए बर्ड्स को एक सेफ प्लेस चाहिए होती है जहाँ पर वो अपने एग्स दे सके। उसके बाद जब बेबी बर्ड्स निकलते हैं एग में से, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो बेबी बर्ड्स को खा लेते हैं। द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्व्स। और जो यंग बर्ड्स होते हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ। और जो नेस्ट है, जो बर्ड्स का शेल्टर है, वो क्या करता है? इन यंग वंस को, इन बेबीज को सेफ रखता है। दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। और इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं। दे यूज़ थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विक्स टू बिल्ड नेस्ट। दे मे इवन यूज कॉटन, वूल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग। दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या बताया गया है? बर्ड्स अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? घास फूस, तिनके, उसके अलावा कॉटन, थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बर्ड्स का नेस्ट कैसा होता है? अंदर से वार्म एंड सॉफ्ट। बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? सारे बर्ड्स का नेस्ट एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनका नेस्ट भी अलग तरीके का होता है। बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेसेस टू बिल्ड नेस्ट। लुक एट द वीवर बर्ड, इट चूजेस अ थॉर्नी ट्री which has some branches hanging over water. So children, यहाँ पर ये बताया गया है कि birds अपने हिसाब से convenient place choose करते हैं अपना nest बनाने के लिए। जैसे कि ये weaver bird, ये अपना nest बनाने के लिए thorny tree choose करता है, means कांटेदार tree choose करता है, और ये tree पानी के करीब होता है। It builds its nest on a highest of these branches. और क्या करते हैं? जो branches पानी के करीब है वहाँ पर, सबसे ऊपर वाली जो branch है वहाँ पर ही ये अपना घोंसला बनाता है। Animals that eat eggs find it difficult to reach this nest. और जो animals egg खाते हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचने में difficulty होती है, और इस तरह weaver birds के eggs safe रहते हैं। The tailor bird is smaller than a sparrow. अब आप लोगों ने स्पैरो तो देखा होगा, टेलर बर्ड स्पैरो से भी छोटा होता है। इट सेलेक्ट्स अ प्लांट विथ बिगर लीव्स एंड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। इट यूजेस अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच देम टुगेदर। दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर अ लिटिल टेलर बर्ड। सो चिल्ड्रन, आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो, ये टेलर बर्ड का नेस्ट है। टेलर बर्ड ऐसी कोई झाड़ी चूज़ करता है जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हों, और उन पत्तों को वो सिल कर, स्टिच कर कर अपना घोंसला बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है। और उन पत्तों को सिलने के लिए वो बारीक टेंड्रिल का यूज़ करता है। सो चिल्ड्रन, स्पैरो ऑलरेडी कितना छोटा होता है आप लोगों ने देखा होगा, टेलर बर्ड उससे भी ज़्यादा छोटा है। तो
इतना बड़ा घोंसला जो उसने पत्तों को सिलकर बनाया है, लीव्स को सिलकर बनाया है, इतना बड़ा घोंसला उसके लिए काफ़ी होता है, वो उसमें इजीली रह सकता है। ओके, सम इंसेक्ट्स आल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स। फॉर एग्जांपल, हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्स ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या बताया गया है, बर्ड्स के अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं जो अपना घोंसला, अपना नेस्ट खुद बनाते हैं, जैसे कि हनी बीस। हनी बीस क्या करती है, अपना नेस्ट खुद बनाती है और उसके नेस्ट को क्या कहते हैं, हनी कॉम कहते हैं। सो आप लोगों ने भी देखा होगा हनी बीस का नेस्ट, उसे हनी कॉम कहा जाता है। और वो नेस्ट कहाँ बनाती है, ट्रीज पर बनाती है, और इसके अलावा पहाड़ के नीचे जो छत बने हुए होते हैं उस पर अपना शेल्टर बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।